माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फिर से वापस उसी खेत में आए हैं जी। ओ ओ, ओ क्या होगा। सुभान अल्लाह। पास का वजू ट्यूबवेल से बना रही है माशाल्लाह से। चार पांच छः आज तो मैं पहले उठी रही हूँ तू। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मेरे पहले बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? तीसरी सहरी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आपको ऐसी हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों सहरियां देखना नसीब करे जी। आज अल्हम्दुलिल्लाह से जी आसमान पे बिल्कुल तारे और सितारे हैं। जा रहे हैं कारी साहब को सहरी देने के लिए। जवाब साहब आज नहीं उठे? नहीं। तबीयत कैसी है उसकी? बस कभी दर्द होता कभी नहीं होता। चलें जी, अल्लाह पाक शिफा देगा। आज कल की वीडियो में भी हम रिपोर्ट्स शेयर करना भूल गए थे, लेकिन आज की वीडियो में हम रिपोर्ट्स लाजमी शेयर करेंगे। हाँ जी, हाँ क्योंकि हाँ। मैंने कुछ कमेंट्स देखे थे कि अहमद भाई आपने रिपोर्ट जो है शेयर नहीं की और फिक्रमंद भी थे। जज़ाकअल्लाह जी, आप हमारे बच्चों के लिए इतनी फिक्रमंद होती हैं, हमारी बहनें हमारे भाई, दिल से शुक्रिया आप सबका। थैंक यू सो मच। चलें जी, माशाल्लाह से सहरी करते हैं और आपने सहरी करनी है हमारे साथ तो आ जाएं। लेकिन जब तो वो वीडियो देख रहे होंगे तो जब तो वो तो अफ्तारी का भी टाइम गुजर गया होगा। चले जी, हम जरा सहरी कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह आप सबकी खिदमत में सुबह, जैसे ही हमारी सुबह होती है तो फिर इंशाल्लाह आप सबकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह से। माशाल्लाह से जी हमारे खेत का इफ्तिताह भी हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, अपनी सुमान में रखे जी। आमीन सुमा आमीन। एंड वेलकम बैक। हो गया आज वैसे ज़्यादा बिजी रहे हैं क्योंकि एक तो पानी देना था, ट्यूबवेल चलाना था, फिर इसके पीछे फिर बच्चों का आज पहला पेपर था, फिर उनकी सुबह तैयारी वगैरह करवाई है कि जो पेपर है उनका वो थोड़ा उनको ईजी हो जाए। उसके बाद फिर फारिग हुए हैं, फिर ये पनीरी जो कल आपको दिखाई थी, फिर ये खालियाँ बनाई हैं इधर। ये खालियाँ बनाने के बाद इनको पानी लगा के तो फिर इनके अंदर हमने काश्त कर दी है जी प्योर देसी मिर्च। ये देखें जी माशाल्लाह से ट्यूबवेल भी हमारा चल रहा है और बच्चे भी जो है ना वो भी पेपर से फारिग हो के, तो अभी इनको पिक करके आया हूँ। कैसा भाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दे मार साढ़े चार जोर लगा के हैया सारी जमीन को खत्म करके। अंदर सारी मिट्टी अहमद ने खराब कर दी है सारा सहन। अब यहाँ देखें कोहरा ही उल्टा हो गया। अहमद छोड़ दो, नहीं टूकेगी ये। क्यों? नहीं नहीं कटेगी, नहीं कटेगी, छोड़ दें। ईटे सारी उखड़ गई हैं। गई। नहीं गई, गई, गई। कहाँ गई? लोर ऐसे 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 चार पांच छः सात, बस खत्म कहानी। गांव में चाहे गैस भी हो ना, फिर भी लकड़ियों की जरूरत लाजमी से लाजमी होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम बैक। उठ गए कितने बजे? कितने बजे? वैसे 11 बजे। 1 बजे बच्चों को लेके आया हूँ। अहमद 11 बजे की मत उठी हुई, बस ऐसे पड़े हुए थे कि हवा चलेगी तो बाहर निकलेंगे। हवा तो सुबह से चल रही है। और अहमद साहब के लिए एक सरप्राइज आया है। क्या चीज? हादिया लेकर आओ, सरप्राइज है आपके लिए। बच्चों के पेपर के बारे में कुछ पता किया उनसे? अभी बुलाते हैं दोनों को, पता करते हैं। अंदर थी तो मुझे जवाब कर रहे कि अम्मी आपने फजर में दुआ करी थी ना नमाज के बाद। मैंने कहा हाँ। चलो माशाल्लाह। अम्मी की दुआ लग गई। ये है जी जवाद साहब की कुछ रिपोर्ट जो कि हम कल भी शेयर नहीं कर पाए थे, तो
फिर कमेंट्स हमें देखने को मिले, बाकायदा ऐसे कमेंट्स देखने को मिले कि मैं बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी, अहमद भाई, राबिया सिस्टर, आप उसके बारे में अपडेट दें। तो मेरी बहन, बहुत शुक्रिया, आप हमारे बच्चों के लिए इतनी फिक्रमंद होती हैं। तमाम बहनें और भाई हमारे, थैंक यू सो मच। ये देखें जी, ये जवाद अहमद और ये सब चीज़ नॉर्मल, लीवर, ये सब चीज़, पिता जो है ना वो भी नॉर्मल है। ये मेडिसिन तो मैंने आपको दिखाई थी, बाकी ये आ गई जी रिपोर्ट। अब ये थोड़ा सा मैं कैमरा ठीक करके आपको दिखाता हूँ। ये है राइट किडनी जी, देखिएगा अगर कोई डॉक्टर हैं तो, और वो लेफ्ट किडनी है, ये यूरिन ब्लैडर है, और ये आ गया जी पित्ता, जीपी, जीबी, इसको पता नहीं ग्रेट ब्लैडर कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं। ये आ गया जी पित्ता, लीवर कहते हैं ना इसे, ये देखें लीवर, ये है, ये जिगर है और ये पित्ता है। तो दोनों चीजें अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। अब हमारी बहन या कोई भाई डॉक्टर अगर देख रहा है तो हमें इसके बारे में एडवाइस दो, क्योंकि डॉक्टर ने हमें पूरी तसल्ली दी है, उसने कहा है कि किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, बस ये थोड़ा पत्थरों के खिंचाव की वजह से। अहमद ये गुर्दे है ना, जब अहमद अल्ट्रासाउंड होता था तो यहाँ पत्थर नजर आते थे, रेड कलर के निशान होते थे। तो अब नहीं है जी। ये आ गई जी जवाद साहब की रिपोर्ट, मेडिसिन हमने कल आपके साथ शेयर की थी, अभी पता करते हैं। पता नहीं, मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ। ये तो जिगर है, ये पित्ता है, ये शोल्डर है, पता नहीं ये क्या है, और ये ब्लैडर है, ये गुर्दे हैं दोनों। और आज अफतारी में जी माशाल्लाह से हमारे घर में स्पेशल चीज पकने के लिए जा रही है, मोरिंगा सुहांजना, और वो लेके आई है अद्दी अपने विलेज से। समोसे नहीं बनेंगे क्या आज? समोसे नहीं बनेंगे, उसकी पीछे वजह क्या है? उसके पीछे वजह ये है कि कल का मसाला जो रखा वो उसके बनाऊंगी मैं टिक्कियां, आलू वाली टिक्कियां, आलू वाली टिक्कियां बेसन डालकर, बेसन में लगा। चलो वो अफ्तार में, वो भी ठीक है, वो भी चल जाएंगे। और बनाऊंगी दूसरे आलू के चिप्स वाले पकौड़े, तो वो भी ठीक है। हाँ जी, बस आज आलू वाले खाली पकौड़े नहीं बनेंगे आज, बेसन। और आप शहर जाओ तो पालक मुझे ला के देना। शहर नहीं जा रहा हूँ, बच्चों को लेने के लिए गया था, उस वक्त बता दी तो ले आता, अभी मेरा कोई काम नहीं है, ट्यूबवेल चल रहा है क्योंकि मुझे उसको देखना है। बगैर पालक वाले, पालक इधर अपने गांव में बहुत है राबिया, क्या हो गया तुम्हें? वो पालक डलेगी ना उन पकौड़ों में, पालक डलेगी। कितनी पालक चाहिए तुम्हें? अपने विलेज में बहुत है, ताजी पालक ला के दो। हाँ इतनी बहुत है, इतनी, हाँ इतनी बहुत है। हाँ बस अभी आ गई, हाँ ये आ गई, पालक ला के दे, मैं पालक वाले और आलू की टिक्की बनाऊंगा। बड़ी बहन को माँ का दर्जा इसलिए दिया गया है, माँ कही जाती है, बड़ी बहन, देखें छोटी बहन की किस तरीके से केयर कर रही है ये बड़ी वाली, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, छोटी बहन की, वेरी गुड। आदिया पेपर कैसा हुआ? अच्छा, अच्छा जबरदस्त, ट्रॉफी मिलेगी माशाल्लाह। बेगम साहबा देखिए नमाज का वजू ट्यूबवेल से बना रही है माशाल्लाह। पेपर कैसा हुआ आपका? हाँ अच्छा, अगर इस दफा ट्रॉफी ना लेके आए तो फिर तुम्हारी खैर नहीं है, ये मैं बता दूं। हादिया तो ट्रॉफी लेके आती है, हर दफा लेके आती है, इस दफा तुम लेके आओगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। चलो बस ना लिया, चलो आज, अच्छा हेक हेक मार के, हेक मार के ऐसे बस, चलो आ जाओ, आ जाओ मेरी बच्चा, आ जाओ, आ जाओ, शाबाश। हाँ चलो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरा पारा चल रहा है, तीसरा रोजा चल रहा है, ये अभी खत्म हो जाएगा। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। ओ जल्दी करो, जल्दी करो, बंद करना प्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हो गया जी बात, ये रिवर्स जाएगा 40, 39, 37, 36, 35, ऐसे मतलब कि बिल्कुल ज़ीरो तक जाएगा। जब ये ज़ीरो हो जाएगा तो फिर हम इसको यहाँ से बंद कर देंगे। अभी इंशाल्लाह एक दो दिनों में एक और सेटअप भी कुछ करवा रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे, क्योंकि आगे गर्मियों में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। ये ज़ीरो हो गया माशाल्लाह से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पावर ऑफ। टाइम हुआ चाहता है जी 3:03, अल्हम्दुलिल्लाह से नमाज जोहर अदा करने के बाद डेली की तरह ड्यूटी शुरू होती है जी किचन की, बेगम साहबा की। सबसे पहले बनाया जा रहा है सालन सुहांजने का, स्पेशल किस्म का सुहांजना बॉयल किया हुआ आया है हमारे पास, अद्दी लेके आई है अपने विलेज से, जैसे मैंने बताया था।
और इसमें डाले हैं हमने छोटे 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 करके आलू। आलू यही अच्छे लगते हैं ऐसे छोटे छोटे आलू ज्यादा मजा करते हैं। इसके बाद फिर जाना है जी ताजी ताजी सब्जी तोड़ने के लिए, पालक वगैरह और क्या धनिया वगैरह इंशाल्लाह से। वैसे राबिया एक हमारे साथ समझ लो कि नाइंसाफी हुई है। कैसी नाइंसाफी पूछो कि नहीं? कैसी पूछ रही हूँ। बच्चों का आज पहला पेपर था और आज डेट क्या है? 14 मार्च, ठीक है ना? और शादी थी 4 मार्च की। हमें कहा गया था कि 6 को बच्चों के पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। हमने शादी जो है ना कैंसिल की, कराची जाना कैंसिल किया, लेकिन पता चला फिर बाद में कि जी पेपर जो है हमने थोड़े आगे कर दिए हैं। तो आज बच्चों का पहला पेपर था, ये हमारे साथ नाइंसाफी की है जवाब साहब के प्रिंसिपल ने, जवाब साहब के, क्योंकि हमारा जाना बहुत ज्यादा लाजिम था, लाजिम था, जरूरी था। हमने माजरा तो कर ली थी लेकिन अच्छा नहीं लगता ना कि वो हमारी खुशियों में शरीक हुई हमारी बहन और हम उसकी खुशी में शरीक नहीं हो सके। माजरत कर, लेकिन अभी बच्चों के पेपरों के बाद तो बच्चों की छुट्टियां होंगी ना? हाँ जी बच्चों की छुट्टी होंगी, लेकिन रमजान है, हम कहीं नहीं जा सकते। रमजान है ना, रमजान के बाद फिर चलेंगे इंशाल्लाह। रमजान के बाद चलेंगे, लेकिन रमजान के बाद वो सऊदी जा रही है। उससे प्रोग्राम डन कर लेना ना कि हम उसके जाने से पहले एक दो दिन में नहीं, वो 15वें रोजे निकल जाएगी, 15 रमजान में ही। हाँ रमजान में जाएगी और 1 साल के बाद आएगी। ओहो चलो फिर बाकी तो होंगे ना। कौन होगा? उनके घर वाले तो होंगे ना, कोई नहीं होंगे, सब उधर गांव शिफ्ट हो गए हैदराबाद। हाँ जी कराची उन्होंने बिल्कुल काटा, बाय बाय कर दिया, क्योंकि वो जो उनकी बहन है ना वो भी वहाँ सिंध में गई है भी आता। चलें जी अब जो अल्लाह को मंजूर हम इस क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ये सारी गलती सारी की सारी गलती जवाद साहब के स्कूल वालों की है। चलो कोई मसला नहीं है। इसको दम लगा देंगे और ये गल जाएंगे, दम लगाएंगे पानी नहीं डालेंगे हम इसमें, बिल्कुल सादी सी रेसिपी है जी। आप इसे ना हर चीज में बना सकते हैं। बेगम साहबा के समोसों की जी सबने तारीफ की है, शुक्रिया नहीं बोलोगी? बहुत बहुत शुक्रिया सबका। बाकायदा से वॉइस मैसेजेस भी आए थे कि आप कंप्लीट बताएं, तो कंप्लीट मैंने मेंशन भी किया था डिस्क्रिप्शन में लिंक, और मैंने अपने इस चैनल की जो है ना कम्युनिटी टैब पे भी जो है ना शेयर की थी। इनकी रेसिपी की तो बात ही अलग है, बहुत समोसा बहुत बड़ा जबरदस्त बना। आज उन्हीं जो वो समोसों का वो मटेरियल बचा हुआ था उन्हीं की मैं टिक्के बनाकर दिखाऊंगी इंशाल्लाह। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग जा रहे थे जी पालक तोड़ने के लिए और इन पे नजर पड़ी है मेरी, ओए होए होए सुभान अल्लाह, पूरा खेत तैयार है जी माशाल्लाह से। प्याज का पिछले साल इधर सारी हरी तुरैयाँ लगाई हुई थी, इस दफ़ा मेरा इरादा है कि जहाँ हमने मिर्चें लगाई हैं ना उसके साथ दीवार के साथ लगा देंगे तो बेलें जो है ना वो दीवार पे चढ़ जाएंगी। माशाल्लाह से पूरा समझ लें कि गर्मियों का सीज़न, हरी तुरई, भिंडी तुरई, करेला, लौकी, इसके मज़े लग जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह से। हम लोग जा रहे हैं जी विलेज के इस साइड से जहाँ से हम लोग मुंगरे तोड़ने के लिए गए थे। मुंगरे हैं रबिया, देखना ख़त्म हो गए, ख़त्म हो गए, बीज बन गया होगा अभी है ना, सारा बीज बन गया, अभी सरसों का भी बीज बन गया है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। रबिया कितना तेल निकल पम से इन्होंने बेचूँ? अच्छी खासी तो है माशाल्लाह, 4-5 किलो तो निकल जाएगा। मुंगरे बिल्कुल ख़त्म हो गया जी, अभी देखे बीज बन गया सारा। इस दफ़ा रबिया इस आम का अचार डालना तुम, नहीं खट्टा ज़्यादा नहीं है ये, नहीं है अचार का, है ना नहीं। वो देसी दूसरा होता है ना, ये देखे जी माशाल्लाह पूरे जोबन पे है। आ जाओ पालक मेरे ख्याल में वो बीच वाले पे लगी हुई है, आ जाओ देखते हैं। हम इस तरफ से आए हैं जी, अभी जो है ना वापसी इस तरफ से जाएंगे इंशाल्लाह। आम दिखाऊं जी आपको माशाल्लाह से, ओए होए होए सुभान अल्लाह। इधर नहीं होगी पालक, इस वाले बनने पे होगी, आ जाओ तुम
मुझे पता है ना, इधर मूलियां भी खत्म हो गई सारी। इधर बेगम साहबा उधर से आ रही हैं। ये है राबिया, तुम उस दिन कह रही थी ना देसी लहसुन, ये है पालक। पालक बीज बन गई है राबिया, नहीं है। धनिया तोड़ना है तो आ जाओ। धनिया नहीं, पालक। पालक नहीं है, पालक खत्म हो गई। ये है थोड़ी, इतनी सी हो जाएगी। इतनी थोड़ी चाहिए मुझे, तकरीबन एक पाव जितनी चाहिए। ये देसी लहसुन प्योर देसी है जी, ये प्योर देसी। थोड़ी सी आ जाओ, देख लो, बोलो तो मैं तोड़ लूं। हो जाएगी राबिया, इधर भी है, इधर भी है, उधर भी है। ये हो जाएगी, हाँ, हो जाएगी। ये लो, ये है। पालक खत्म हो गई है सारी। लहसुन चाहिए तो लहसुन काफी है, गाजरे मूलिए सलाद के लिए अगर चाहिए हो तो। हाँ, ये प्योर देसी लहसुन है जी, और ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद। अभी देखो कितना बाथू हो रहा है। ये है काफी खेत में, इसमें शलजम भी है। हाँ वैसे आए तो ढेर लगा हुआ होता है, ये मौसम है ना अहमद। हाँ, अच्छा अहमद रमजान निकल जाए, फिर मैं छोटे मटरों की दाल है ना बाथू के साथ। ओए होए होए होए, मैं करना जी, वो तो अलग ही चीज वाला। फिर है ना बाथू खत्म हो जाएगा रमजान के बाद, ऐसे करते हैं बाथू को तोड़ के सुखा लेते हैं। सूखा हुआ फिर मजा थोड़ी करते, मजा करते है सूखा हुआ साग, मजा करते है। अच्छा हाँ, फिर से वापस उसी खेत में आए है जी। ओ क्या ख्याल कर, अहमद खड्डे नजर नहीं आते, घास है ना बड़ा बड़ा। आ जाओ, खड्डों में पैर आ जाता है। अब हमें पता नहीं था जी पालक किधर, देखो कितनी पालक है। तुम तो कह रही थी नहीं है पालक, ये देखो भाभी को साथ लेके आया, उसने कहा कितनी चाहिए, बरूद है बरूद। ये देखो कितनी पालक चाहिए राबिया, ढेर लगा हुआ है पालक का। चलें जी फ्रेश फ्रेश पालक तोड़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पालक है ना, ये घास है। हां बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अदी पहले मुझे कहते कह रहे तुम्हें पालक नहीं मिलेगी, मामी को लेके जाना साथ में। हाँ हम तो उधर बैठे हुए थे। चलें जी पालक तोड़ लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह। ये लो, ये हमारे गांव का सिंदड़ी आम है। इस दफा पता नहीं इसने एक भी फल नहीं उठाया हुआ राबिया, कुछ भी नहीं है, खाली है। नहीं शुरू के सबके साथ ही बोर उठाते हैं। देर से देखा भी, बोर भी नहीं उठाया इसने। हाँ। नए पत्ते निकाल रहा है। पालक बहुत है। हाँ पालक बहुत है, इसमें डालूंगी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का कसूर क्या है कि उसको कसूरी मेथी कहा जाता है? इसका कसूर ये सूखती क्यों है? अगले दिन यही कोई सवाल था, वीडियो थी, क्या था? हाँ जी अच्छा, और इसमें डालूंगी साबुत धनिया, साबुत धनिया। वाह बड़ा मजा करेगा। हाँ माशाल्लाह से। अब बाकी रह गया धनिया, धनिया के लिए किसी और घर में डकैती मारनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये देख धान इतना ढेर लगे खड़े। मासी मैं को धान है तो पाट दे। अच्छा पाट, छुरी चाहती है? छुरी मेरे हाथ में। अच्छा, ये है ना, देखो खाला तंदूर बना रही है। हाँ। ये देखें जी नवाज भाई की तरफ तंदूर बनते हैं जमीन के नीचे। हाँ, सांचे। हमारी तरफ तंदूर बनते हैं जमीन के ऊपर। मासी देखो सांचा ना बना दे मैं तंदूर वाला। चौके जाने से तंदूर वाज बन दे। ये वाला देखें जी, ये मिट्टी पुसी रखी है, इसके अंदर मिट्टी भिगोई हुई है और कुछ इधर बना रहे हैं जी। मासी ओबे बना तनूर। एक दिखे सो वीडियो, तेको वीडियो दिखे सा इंदा यार। खड्डा मार तो तले बढ़ना, तले खड्डा मार। ऐसे ही मेरी बेगम परेशान हो रही थी, घर से निकले हैं सीधा ऐसे घूमते हुए वहां तक गए और शाम के पकौड़ों का सब्जी का बंदोबस्त जो है वो हो चुका है। धनिया भी तोड़ लिया फ्रेश और पालक भी तोड़ ली। उंगरे शुंगरे चाहिए तो वो भी बहुत है। मुंगरे शुंगरे चाहिए रोजे के इफ्तार के लिए, सब बच्चों के लिए खाना मैंने बना दिया है। आ जाओ, बाकी चीजें तो अभी बनानी पेंडिंग में है ना। हाँ मुझे थोड़ा सा रेस्ट करने दे। आ जाओ अभी रेस्ट करते हैं जी, फिर आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह इफ्तारी से आधा घंटा एक घंटा पहले। माशाल्लाह से जी, माशाल्लाह से आज तो बेगम साहिबा नए स्टाइल के पकौड़े बना रही। आज मैं फिंगर चिप्स वाले पकौड़े बना रही। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये पालक है आपके सामने तोड़कर लेकर आए, ये देखिए ये बना हुआ मटेरियल। काफी शिकवे शिकायत है ना समोसों वाले वीडियो पे कि आपने सही तरीके से जो है ना नहीं दिखाया, तो एक दिन रबिया कोशिश करके ना एक दफा फिर से जो है ना प्रोसेस कर लो। अहमद नहीं, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है। थोड़ी बहुत नहीं, रहने दो। और क्रिस्टल बने
आवाज ही अलग आ रही है माशाल्लाह। हल्की आंच में गलाएं ना ताकि चिप्स गल जाए अच्छे तरीके से। हाँ, किसी दिन बच्चों को फिंगर भी तो बना के खिलाएं ना। रमजान निकल रहे हैं। हाँ, रमजान के बाद इंशाल्लाह। अभी रोजे में कितना टाइम है हमारे तरफ? तो जी अफ्तार हो रहा है, आज होगा 6:29 पे। हर इलाके का अपना अपना अलग अलग रूटीन होता है ना। हाँ, कोई पता नहीं, मतलब कि एक मिनट जो है ना इधर से बढ़ता जा रहा है शाम का। हाँ, और सुबह का जो है ना एक मिनट वो कम होता जा रहा है। जैसे पहली रात सहरी थी 5:07 पे, नहीं 5:15 पे थी, 7 मिनट 8 मिनट 9 मिनट आज 9 मिनट पे होगी। उधर से कम होएगा ना राबिया, आज बल्कि 2-3 मिनट पे आ जाएगी। एक एक मिनट सहरी से कम होता जाता है और अफ्तारी में एक एक मिनट बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और गर्मियों में तो जब जून जुलाई में माह रमजान आता था तो 7:30 अच्छे तरीके से याद है कि 6:15 हम लोग असर की नमाज पढ़ के वापस आया करते थे। तो फिर तैयारी करना ये वो सब। तो माशाल्लाह से जी अभी हम ये पकौड़े बनाएंगे, उसके बाद कुछ फ्रूट्स हैं, कुछ चाट वगैरह बेगम साहब ने ये देखें तो बना के रख दी है जी। कुछ दही बल्ले, दही बल्ले बता रहे, बोल रही थी कि मैंने के रेसिपी नहीं देती है आप दही बल्ले की रेसिपी दे, बहुत जबरदस्त लग रहे थे दही बल्ले। तो ये सादा सा ही बनाती हूँ मैं दही बल्ले, इसमें खीरे प्याज धनिया और टमाटर ये वगैरह डालती हूँ और फुलके भिगो के रख देती हूँ। छोले मैंने बॉइल करे हुए और मैंने जो गुलगुले बनाए थे यार मैं सब कहते गुलगुले बल्ले जो मैंने बनाए थे वो तो मैंने सबके आपके साथ सब शेयर किया था। चले जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, हमें इजाजत दीजिएगा, आप सबसे मिलते हैं इंशाल्लाह कल। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते, वीडियो को लाइक शेयर और नहीं करते, करेंगे इंशाल्लाह करेंगे, ये सब्सक्राइब करेंगे तो नई नई रेसिपी लेकर आऊंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो पिछले 2 महीनों से हमने रेसिपी वाले चैनल को तो देखा ही नहीं है, 2 महीने हो गए, यकीन माने जी के टाइम लिमिटेड टाइम ये वो। दूसरा गर्मियों में नहीं होता चूल्हे के आगे खड़े होकर, चूल्हे के अलावा फिर मसरूफियात भी काफी ज्यादा रहेगी। हमने जब कराची गए थे तो जब वीडियो डाली थी और एक वीडियो हम लोग जब नवाज भाई के घर गए थे ना उस टाइम डाली थी, तकरीबन कोई 90 दिन होने वाले हैं उसको, 3 महीने होने वाले हो चुके हैं। हाँ जी, चलें जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगेबान।